हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क SR4 टैबलेट के बारे में, जो कि डॉक्टर रेडीज मैन्युफैक्चर करती है इस टैबलेट को। और ये जो टैबलेट है, ये टॉलटेरोडीन नाम का केमिकल API कंटेन करती है। इसका काम क्या है टैबलेट का, ओवर एक्टिव ब्लेडर सिम्टम्स को ट्रीट करती है ये, ठीक है, ब्लेडर सिम्टम्स को। अब ये एक एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन है जो कि डॉक्टर रेड्डी बनाती है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। टॉर्क SR4 टेबलेट इज यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लेडर, ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लेडर के ट्रीटमेंट में ये यूज में आती है। इट रिलीव यूरिनरी सिम्टम्स लाइक फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंट नीड टू यूरिनेट एंड इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, ठीक है। टॉर्क SR4 टेबलेट इज एडवाइज टू टेक इन ए डोज एंड ड्यूरेशन हैज पर प्रिस्क्रिप्शन। इसमें इस टेबलेट को लेने के लिए एडवाइस दी जाती है कि आप इसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ले, ठीक है। आप इस टेबलेट को कैसे ले सकते हैं, इट कैन बी टेकन विथ और विदाउट फूड। खाने के पहले भी ले सकते हैं इस टेबलेट को और खाने के बाद भी ले सकते हैं, मगर इस टेबलेट को अगर आप सेम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में लेंगे तो इस मेडिसिन का आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्वेलो द मेडिसिन एंड होल विदाउट क्रशिंग एंड चीविंग इट। इस टेबलेट को अगर जब भी आप लेंगे, ये एक एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मेशन है, तो अगर आप इसको मुंह में चबा देंगे तो फिर इसका असर की जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी, मतलब असर दिखना कम हो जाएगा, असर कम करेगी टेबलेट। ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन, तो आपको सीधे इसको निगलना है पानी के साथ। यू शुड नॉट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। आपको इस टेबलेट को बिना कंसल्ट के डॉक्टर के स्टॉप नहीं करना है, और स्टार्ट भी डॉक्टर के कंसल्ट बगैर नहीं करना है, ठीक है। आपको कोर्स जब तक पूरा लेना है जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो जाए, जिससे कि आपको बेनिफिशियरी इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। अब यूजर्स तो मैंने आपको बताई दिए थे, जैसे स्टार्टिंग में अपने थंबनेल पे है जो है कि ट्रीटमेंट यूज में आता है क्या के ओवर एक्टिव ब्लेडर सिम्टम्स के। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट ऑफ टॉर्क टेबलेट ऐसा क्या, ड्राइनेस इन माउथ कॉज कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, हेडेक कॉज कर सकती है, डिजीनेस कॉज कर सकती है, स्लिपीनेस कॉज कर सकती है, ब्लड विजन कर सकती है, और डायरिया भी ये कॉज कर सकती है। अब अगर आपको वीडियो देखने के लिए अच्छा वीडियो देखने अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।